सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवा कांत पाठक आपके सम्मुख सत्य न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए हम अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पाता हूं। आज मैं आपके सामने ह्यूमन वैल्यू, जैन दर्शन एंड बौद्ध दर्शन को लेकर उपस्थित हूं। तो चलते हैं, देखते हैं ह्यूमन वैल्यू, जैन दर्शन एंड बौद्ध दर्शन। सर्वप्रथम मैं जैन दर्शन पे चर्चा करूंगा। तो लेक्चर नंबर वन जैन दर्शन को लेके है, ह्यूमन वैल्यू इन जैन दर्शन। और इस जैन दर्शन में हेलो, जैन दर्शन की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो औपचारिक रूप से मैं जैन दर्शन के इस कोर्स में मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपका स्वागत करता हूं। और जैन दर्शन को लेक्चर नंबर वन से शुरुआत कर रहा हूं। यह जो लेक्चर की सीरीज है इस कोर्स में, जैन दर्शन के विषय में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके विषय में बताऊंगा। और यह देखने की कोशिश करूंगा कि इसका जीवन में क्या महत्व है। जैन दर्शन को, इस कोर्स को 20 लेक्चरों में समाप्त किया जाएगा। इस कोर्स को क्यों पढ़ना चाहिए उसके विषय में सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि यह जो जैन दर्शन है ये पूर्णतया वैज्ञानिक है, लॉजिकल है। और ये एथिकल जीवन जीने में मदद करता है। और यह हमारे दृष्टिकोण को और अधिक प्रभावशाली और विवेकपूर्ण बनाता है। यह मेरे टॉलरेंस को बढ़ाता है जैन दर्शन। यह दूसरों के साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ या जहां भी मेरा कर्म क्षेत्र होता है, यह मेरी साथ संबंधों में जीते हुए, मानव मानव संबंधों में जीते हुए मित्रता का पाठ पढ़ाता है, मित्रवत व्यवहार करने में मदद करता है। यही नहीं, यह मानव मानव संबंधों में ही नहीं मित्रवत व्यवहार के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। और यह मुझे प्रकृति के क्लियर करने के लिए प्रेरित करता है। जैन दर्शन मुझे यह भी बताता है कि सुविधाओं का अगर हम विकास करते हैं तो सुविधाओं का विकास मेरे सुखी और संपन्न रहने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यह जीवन में कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाता है। यह जीवन के संपूर्ण दृष्टिकोणों में सही निर्णय लेने के लिए, हम लोगों को लेने के लिए लेने में मदद करता है। और यह मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जरूरी होता है। जैन दर्शन की फिलॉसफी पीस और हैप्पीनेस के लिए, ये रहने के लिए मदद करती है।
इस जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में जो रीत रिवाज है वह मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पूर्णतया सहयोगी है। प्राचीन काल में मुख्य रूप से दो ट्रेडिशन थे, एक श्रमण और दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण ट्रेडिशन को वैदिक ट्रेडिशन में कहा जाता है। जो जैनिज्म है, जो जैन दर्शन है, वह श्रमण ट्रेडिशन से संबंधित है। कुछ भी सभ्यताएं हो, प्राचीन काल के अगर इतिहास को देखें तो सारी सभ्यताएं मुख्य रूप से यही एक बात कहती है कि मैं कौन हूं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया है, मेरे और इस ब्रह्मांड के बीच क्या संबंध है, मानव जीवन में क्यों कष्ट और माइजरी है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसा मैंने कहा कि प्राचीन काल में दो ट्रेडिशन थे ह्यूमन लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, उन दोनों ट्रेडिशन में एक था श्रमण ट्रेडिशन और एक ब्राह्मण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन जो जैनिज्म जैन फिलोसफी से रिलेटेड है, वह जो है बिना ईश्वर के इन सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। ऐसी परिस्थिति में हमको ऐसी परिस्थिति में श्रमण ट्रेडिशन फाउंड एक्सप्लेनेशन विदाउट गॉड, बिना ईश्वर के कॉन्सेप्ट के ही सारे प्रश्नों का उत्तर लॉजिकली दे देता है। जैनिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द क्रिएटर गॉड, कंट्रोलर गॉड। ईश्वर के कॉन्सेप्ट को जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड है, इस यूनिवर्स है, वह नियमों के द्वारा, लॉ ऑफ नेचर के द्वारा नियंत्रित होता है। जैन दर्शन जो है सभी अप्रोचों में वैज्ञानिक अप्रोच लेता है और यह रेशनल भी है, लॉजिकल भी है। जो भी कहा जाता है जैन दर्शन में उसका लॉजिकल आंसर उपलब्ध है। एवरी लिविंग बीइंग इज अ सोल, प्रत्येक जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा है, जीवित प्राणी के अंदर आत्मा है। किसी ने भी इस ब्रह्मांड को क्रिएट नहीं किया हुआ है, यह शुरुआत से ही एग्जिस्ट करता है। मानव जो है अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, मानव प्रकृति से प्रभावित है और प्रकृति मानव के सहयोग के लिए है, मानव से प्रभावित है और मानव प्रकृति के बीच हार्मोनी है। जितनी भी प्रकृति है वो मानव कल्याण के लिए है, मानव के सहयोग के लिए है, एंड दिस फॉर हैप्पी एंड कंटिन्यूड सर्वाइवल के लिए है। जो भी मानव के अंदर दर्द है, माइजरी है या सुख है या मनुष्य के स्वयं के कर्मों के कारण है, इसके लिए दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं है। नो वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और जो जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति और पेन और माइजरी से छुटकारा पाने के लिए है और परफेक्ट ब्लिस, पूर्णतया संतोष की अवस्था में
सुख और समृद्धि की निरंतरता में जीने के लिए जीवन का उद्देश्य। जो जैन दर्शन है, जो जैन जैन दर्शन के अनुसार जो जीवन की पद्धति है, वो सदैव हमसे बताता है, हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हम जीवन में उद्देश्यों को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को समझने के लिए जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या है, इनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रैक्टिसेस है जैन दर्शन की, उसमें पहला जो प्रैक्टिस है अनुव्रत है। यह हैप्पी लाइफ, हैप्पी सोसाइटी और कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए अनुव्रत जो प्रैक्टिसेस करते हैं हम जीवन में चीजों को सुख और समृद्धि की अवस्था में रहने के लिए, उसमें अनुव्रत प्रैक्टिसेस पहला है अनुव्रत। अनुव्रत भी कई प्रकार का है, अहिंसा अनुव्रत। ये अहिंसा अनुव्रत क्या है? नॉन किलिंग एंड नॉन हर्टिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। जैन दर्शन में न किसी को मारिए, न किसी को घायल करिए। हिंसा इज कास्ट आइदर इंटेंशनली आर थ्रू अदर बाई कंसेंटिंग टू अनदर पर्सन टू डू सो। दैट इज फंडामेंटली हिंसा करने के लिए उसका गुण नहीं है, नहीं पैदा हुआ है। अगर व्यक्ति के अंदर हिंसा का भाव आता है तो इंटेंशनली करता है या किसी के थ्रू करता है, किसी के द्वारा या किसी ने उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया होता है। इसलिए अहिंसा अनुव्रत में लोगों को समझना, जानना और रहना है। सत्य अनुव्रत स्पीक व्हाट इज ट्रू एंड कमेंडेबल। वही बोले जो सत्य हो और स्वीकार करने योग्य हो, कमेंडेबल हो, और जो कमेंडेबल न हो वो गलत है। ऐसा स्पीच, ऐसा कथन किसी के साथ में करता हूं तो वही दुख का कारण होता है। देखिए, दैट इज द काज ऑफ पेन। तो सत्य बोले, फिर है आचार्यों और अनुव्रत। स्टीलिंग इज टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन। जो कोई देना अगर उसको ले लेते हैं तो वह चोरी है, ऐसा मत किया जाए। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, डिसिस्टिंग फ्रॉम हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ पर्सन अदर देन हिज स्पाउसेस। अपनी पत्नी है तो पति के साथ और पति है तो पत्नी के साथ, इनको छोड़ के किसी तरह से किसी दूसरे स्त्री या पुरुष से सेक्सुअल रिलेशनशिप ना किया जाए, यह ब्रह्मचार्य अनुव्रत है जैन फिलॉसफी के अनुसार। उसमें अपरिग्रह अनुव्रत है जो रोकता है इनसेंसिबल पजेशन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, मनी, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। हम गलत तरीके से धन को, संपत्ति को,
संपदा को मानव को इकट्ठा अगर हम करते हैं इन सबसे अपरिग्रह अनुव्रत जो है हमको रोकता है। डिफाइन योर नीड, जैन फिलॉसफी के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को जानिए समझिए परखिए कितनी सुविधाएं चाहिए और कोशिश करिए कि देम टू मिनिमम न्यूनतम सुविधाएं क्या चाहिए हमको, कितना खाना कितना कपड़ा, जो हायर वर्च्यूज है फॉरगिवनेस क्षमाशीलता, अगर कोई गलती किए हैं तो प्रार्थना कर लीजिए कि क्षमा करिए अगली बार मैं गलती नहीं करूंगा, और अगर दूसरा गलती कर लिया है आपसे क्षमा मांगता है तो फॉरगिव देम क्षमा कर दीजिए, मानवता है, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, बिहेवियर, व्यवहार में नम्रता, सरलता, सहजता, मधुरता। जो घमंड है वह ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्राइड इज द ग्रेटेस्ट इनमी ऑफ नॉलेज, फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान का, समझ का, विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। घमंड त्यागी, सरलता, सहजता, मधुरता, उदारता में आई तब धैर्य आएगा आपके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, विचारों में स्थिरता हो, शब्दों में हो और जो कह दे उस पर कायम रहे, दिमाग की शुद्धता हो, किसी प्रकार का भय, लालच, भीख इस तरह की चीजों से दूर रहे, बिना जरूरत के लालच बस किसी के चीजों को न लेने की कोशिश करें। सेल्फ रेस्ट्रेंट इज एब्स्टिनेंस फ्रॉम इंजोरियस थॉट एक्शन एंड फॉर इनरिचमेंट ऑफ सेंसुअल थॉट और रेस्ट्रेंटमेंट फॉर इंडल्जेंस। जो विचार दुख देने वाला हो, घृणा उत्पन्न करने वाला हो, लोगों पे गलत व्यवहार करने वाला हो, अनैतिक विचार हो, और वो विचार जो स्वयं को गलत रास्ते पे ले जाने वाला हो, ऐसे चीजों से दूर रहे। कॉन्सेप्ट जो है जैन दर्शन की, जिनको हम देखने चल रहे हैं कि सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ इटर्नल कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस थ्रू इनफाइनाइट सक्सेशन ऑफ ओरिजिनेशन एंड सीसेशन। देयर आर ओनली सिक्स काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। जो पदार्थ है जैन फिलॉसफी के अनुसार छह प्रकार के हैं, जैसे आत्मा, द्रव इत्यादि। ये सिद्धांतों पर निर्भर है। पहला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत, यह आत्मा का नियम है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एज यू सो सो सैन यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में बताता है, यह जन्म और मृत्यु, सुख और माइजरी, डाइवर्सिटी नेचर के विषय में बताता है।
जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही आप काटेंगे। जैन फिलॉसफी में सेवन फंडामेंटल ट्रूथ की बात की गई है, सात सत्य की बात की गई है। देखें वो सात सत्य है क्या। दिस डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। मानव शरीर आत्मा और शरीर का कोएग्जिस्टेंस है, यह सातों सत्य जो है बताते हैं और इनको कैसे अलग किया जा सकता है। जिसमें सोल जो है इन्फेस्टेड विद कर्मा फ्रॉम ब्रिंगिंग लेस टाइम, ये जो आत्मा है वह कर्म से जुड़ा हुआ है, क्या करना है कैसे करना है, और ये अंडरगोज इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ सफरिंग माइजरी एंड पेन। और ये जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सेवन फंडामेंटल फैक्ट्स जो है, तत्वांश जो है, ट्रूथ जो है, वो कर्म को प्रेरित करते रहते हैं। सही कर्म करेंगे तो सुख की स्थिति में रहेंगे, गलत काम करेंगे तो दुख और कष्ट की स्थिति में रहेंगे। जब आत्मा स्वतंत्र होगी तो आनंदित होगी और तब परफेक्ट ब्लिस संपूर्ण संतोष की प्राप्ति होगी। और अगर स्थिति है तो यह कहता है लिबरेटेड सोल स्वतंत्र आत्मा। द जर्नी ऑफ लिबरेंट सोल इन्वॉल्व्स इन सेवन फंडामेंटल ट्रूथ, जिसकी चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे। जो आत्मा की यात्रा है इन सात सत्य के बीच चलती रहती है। तीसरा जो जैन धर्म का है पाप और पुण्य, पूर्ण आत्मा को शुद्ध करता है जिससे आत्मा प्रसन्न और सुखी होती है, जबकि पाप जीवन में माइजरी और अनहैपीनेस लाता है, दुख घृणा अविश्वास लाता है जीवन में। जो ज्ञान का सिद्धांत है, ये ज्ञान का सिद्धांत दो चीजों पर आधारित है। देखिए ज्ञान जो है प्राप्त किया जाता है दिमाग से और सेंसेस से और बुद्धि से। नॉलेज गेन्ड बाय माइंड एंड सेंसेस दैट इज कॉल्ड बुद्धि। ऑल नॉलेज ऑब्टेन्ड एट होम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी थ्रू आर एनी अदर प्रिंट मीडिया आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया falls in this category. This kind of knowledge is finite and imperfect. जो भी ज्ञान हम घर पे स्कूल में कॉलेज में विश्वविद्यालयों में न्यूज़पेपरों से टीवी इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया से हम पाते हैं, जो भी ज्ञान हम पाते हैं इस तरह का नॉलेज फाइनाइट है और पूर्ण नहीं है, निश्चित है, छोटा है और अपूर्ण है, और इनमें विरोधाभास बहुत है, कंट्राडिक्शन दिखाई देता है। और जो ज्ञान मुझे आत्मा से मिलता है विदाउट यूज ऑफ माइंड एंड सेंसेस, बिना दिमाग और सेंसों का प्रयोग किए हुए, इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ये ज्ञान पूर्ण होता है जब आत्मा से ज्ञान मिले। और आत्मा से मिले ज्ञान में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होता, विरोधाभास नहीं होता। और जो आत्मा से ज्ञान मिलता है वही संपूर्ण सत्य होता है।